मैं जादूगर मणिपुर राजीव ट्रूथ ऑफ मैजिक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया जादू लेकर के आया हूं। सबसे पहले मैं वो जादू आपको दिखाऊंगा, उसके बाद उसका रहस्य आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जादू की तरफ चलते हैं। वरं वरे भवक्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्करं। जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश पाहि मां, जय गणेश रक्ष मां। अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम्। जय गणेश पाहि मां, जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश पाहि मां, जय गणेश रक्ष मां। कान्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय चिन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आगे मैं अपलोड करने वाला तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर और सबसे पहले आपको मिलता रहे। अब दोस्तों, इस जादू का रहस्य की ओर चल रहे हैं हम। ये जादू के लिए आपको चाहिए इस तरह का चार व्हाइट पेपर्स और चार करेंसी नोट्स। मैं 10 रुपये का करेंसी नोट लिया हूं, कोई भी ले सकते हो आप। अब एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा आपको इस तरह से। दो व्हाइट पेपर्स ले लीजिए और उसको आधे में ऐसे फोल्ड कर दीजिए और उसको यहां पर ऐसे चिपका लीजिए, दो ऐसे खुला रहेगा ये। उसी तरह से दो नोट ले लीजिए, उसको बीच में से फोल्ड कर दीजिए और आधा वाला ऐसा यहां पर चिपका दीजिए। याद रखना, ये नोट जहां चिपकाता है तो आपको डबल टैप से चिपकाना, ताकि यह टंबर भी बनाओगे तो आपको नोट फिर ले करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप परमानेंट इसको घूम से लगाओगे तो इसको परमानेंट रखना पड़ेगा, तो नोट जो है खराब हो जाएगा। इसलिए ये नोट जो चिपकाना है उसको डबल टैप से चिपका दीजिए, इसको घूम से चिपका दीजिए और इस तरह से रहेगा ये। ये तीनों जगह पर कागज दिखाई देगा और इस जगह पर नोट दिखाई देगा। इस तरह से इस ढंग से चिपकाना है। ये जो हमने बनाया हुआ है नोट और कागज को चिपका करके, इसको ले लीजिए और इसको पूरा इकट्ठा एक जगह ले लीजिए
और इसके ऊपर ये कागज को ऐसे रख दीजिए। अब ये जो चार नोट हमने लगाया हुआ है इसको लेकर के यहां पर रख दीजिए। इसे ये खाली रहेगा, दूसरे वाले में इसको रख दीजिए। अब इसको फोल्ड करके ऐसे रख दीजिए और दिखा दीजिए कागज, एक दो तीन चार और पांच। अब इसको अलग अलग करके दिखा दीजिए, एक दो तीन चार एंड पांच। इसको ऐसा रख करके ऐसा दिखा दीजिए, ऐसा दिखा दीजिए, ऐसा दिखा दीजिए। अब इसको इकट्ठा करके ऐसा फोल्ड कर दीजिए। जब ऐसा फोल्ड कर देते हो तो नीचे वाला जो एक कागज है, यानी एक साइड में कागज लगाया हुआ है, दूसरे साइड में नोट है, इसको अलग कर देना है और इसको लेकर के ऐसा मोड़ देना है। ऐसा रहेगा, दोनों साइड में कागज है, लास्ट वाले को लेना है और ऐसे मोड़ देना है और थोड़ा जादू लगाइए और इसको गिनकर दिखा दीजिए, एक दो तीन चार एंड पांच। अब इसको अलग अलग दिखा दीजिए, एक दो तीन चार एंड पांच। इसको ऐसा रख दीजिए, इस साइड दिखा दीजिए, ये साइड दिखा दीजिए, फिर ऐसा दिखा दीजिए। अब इसको लेकर के सबसे नीचे वाला लेकर के ऐसा रख दीजिए, एक दो तीन चार एंड पांच।